बीते 15 वर्षों से भी अधिक समय से प्रदेश की शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध अल्प मानदेय पर काम कर नियमित शिक्षकों बनने की बात जोड़ रहे अतिथि शिक्षकों ने आज मध्य प्रदेश आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर सामूहिक अवकाश लेकर बालाघाट जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों के नारे लगाते हुए रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई महापंचायत में की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग को लेकर बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बालाघाट एसडीएम राहुल नायक को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी नहीं होने पर 7 दिन बाद भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। विदित हो कि प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बीते 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट आ पड़ा है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाकर घोषणा की थी। किसी भी अतिथि शिक्षक को नियमित शिक्षक आने पर नहीं हटाया जाएगा और अक्टूबर माह से 2 गुना निश्चित मानदेय दिया जाएगा और पूरे वर्ष सेवा ली जाएगी। साथ ही विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, किंतु हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जहां उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के चलते हजारों अतिथि शिक्षकों को हटाकर उन्हें सेवा से विमुक्त किया जा रहा है। हम सब अतिथि शिक्षक लोग हैं और हम सब हमारी लंबित मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं और लंबित मांग में मुख्य मांग हमारी ये है कि जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उन घोषणाओं के अभी तक आदेश जारी नहीं हुए, तो तत्काल वो आदेश जारी करे सरकार और विभागीय परीक्षा के माध्यम से हम सभी को नियमितीकरण करने का काम करें। हुई थी 2 सितंबर को, तब से अभी तक किसी भी घोषणा के आदेश जारी नहीं हुए हैं। लगभग कितनी बार आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं? इस बीच में कम से कम 5 से 10 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं हम डीओ महोदय को और 5 से 6 माह से वेतन लंबित है, अभी तक हमारा वेतन नहीं हुआ है। सारे बालाघाट जिले में लगभग 1500 अतिथि शिक्षक है और पूरे मध्य प्रदेश में 72,000 समथिंग अतिथि शिक्षक है जिनका अभी तक वेतन लंबित है, 4 से 5 माह हो गए वेतन नहीं मिला। एनबीसी न्यूज के लिए बालाघाट से आशीष भगत की रिपोर्ट।